नवगछिया की धरती पर पहली बार प्रतिभा खोज प्रतियोगिता प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल के कैंपस में कक्षा 1 से 8 के छात्रों के लिए एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होने जा रही है। विजेता को मिलेगा एक लैपटॉप। विजेता को एक लैपटॉप से सम्मानित किया जाएगा जो 85% अंक प्राप्त करेगा। अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर है, तो आइए मौका हाथ से छूट न जाए। फॉर्म प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल में उपलब्ध हैं। ये परीक्षा शैल हृदया चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित की जा रही है। संभावित परीक्षा जून 2022 के महीने में। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 7368914733 या 8809304733। जल्दी करें। भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने कोसी कटाव पीड़ित से किया मुलाकात। कहा करूंगा जल्द मुख्यमंत्री से बात, उठाऊंगा आपके हक की आवाज। भागलपुर जिले के नौगछिया के जहांगीरपुर बैशी में कोसी का कटाव लगातार जारी है। अभी तक लगभग 100 घर कोसी नदी के गोद में समा चुके हैं और सैकड़ों परिवार का आशियाना कोसी में समा चुका है। लगातार हो रहे कटाव का जायजा लेने के लिए कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा कटाव स्थल पर पहुंचे और यहां पर उन्होंने हो रहे कटाव का जायजा लिया। वहीं उन्होंने कहा है कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण लोगों को कटाव की विभीषिका झेलनी पड़ रही है। वहीं उन्होंने कहा कि कटाव निरोधी काम में तेजी लाने के लिए वह मुख्यमंत्री से बात करेंगे। वहीं बच्चों को खाने नहीं मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि वह सरकारी स्तर से भोजन की व्यवस्था करवाने की व्यवस्था करेंगे। अगर वह नहीं हो पाया तो वह अपने स्तर पर भी इसका उपाय करेंगे। जायजा लिया हमारे संवाददाता निभाष मोदी ने। TMBU के पीजी जूलॉजी विभाग में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का हुआ आयोजन। सेमिनार में पहुंचे कई विश्वविद्यालयों के कुलपति व शिक्षाविद। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी जूलॉजी विभाग में UGC प्रायोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कई विशिष्ट पदाधिकारियों के साथ साथ बाहर से आए कई विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर दिया गया। इस राष्ट्रीय सेमिनार का विषय रिसर्च मेथोडोलॉजी के विविध आयाम रखा गया। यह सेमिनार पीजी जूलॉजी विभाग और भारत सरकार के एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर बिहार झारखंड के तत्वावधान में आयोजित किया गया। पीजी जूलॉजी विभाग के हेड वो डीन एकेडमिक्स प्रोफेसर अशोक कुमार ठाकुर राष्ट्रीय सेमिनार के कन्वेनर है, जबकि विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नवोदिता प्रियदर्शनी आयोजन सचिव हैं। कुलगीत से सेमिनार के उद्घाटन सत्र की शुरुआत की गई। वहीं स्वागत संबोधन विभाग अध्यक्ष व सेमिनार के कन्वेनर डॉक्टर अशोक कुमार ठाकुर ने किया। वहीं सेमिनार का विषय प्रवेश आयोजन सचिव डॉक्टर नवोदिता प्रियदर्शनी ने किया। डॉक्टर हरि सिंह और सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर की कुलपति वो TMBU के पूर्व कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता, JP विश्वविद्यालय छपड़ा के कुलपति प्रोफेसर फारूक अली, TMBU के पूर्व कुलपति प्रोफेसर KK सिंह, प्रोफेसर AK राय आदि की नोट स्पीच को लोगों ने काफी सराहा। कार्यक्रम में वक्ता और प्रतिभागी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड़ों में जुड़े थे। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए विभाग स्तर पर शिक्षकों, रिसर्च स्कॉलरों और छात्र छात्रा लगी हुई थी। मौके पर स्मारिका का लोकार्पण भी अतिथियों के द्वारा किया गया। उद्घाटन का सत्र धन्यवाद ज्ञापन TMBU के कुल सचिव डॉक्टर निरंजन प्रसाद यादव ने किया। मौके पर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कई विशिष्ट अतिथि के साथ साथ कार्यक्रम के आयोजन सचिव डॉक्टर नवोदिता प्रियदर्शनी, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर अतुल शमिरन, डॉक्टर सपना वर्षा सहित विभाग के सभी शिक्षक और कर्मी के साथ साथ सैकड़ों छात्र छात्राएं मौजूद थे। ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन भागलपुर के कर्मियों ने बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर
टीईटी के साथ मारपीट का निंदा करते हुए किया प्रदर्शन। बीते 6 जुलाई को बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर 13402 डाउन एक्सप्रेस में कार्य कर रहे चेकिंग स्टाफ को उनकी ड्यूटी करने से जीआरपी के किसी स्टाफ द्वारा रोका गया एवं मारपीट की गई। यह घटना काफी तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना का निंदा करते हुए इसके विरोध में पटना शाखा ने विरोध प्रदर्शन किया एवं रेलवे अधिकारियों को उचित कार्रवाई एवं जांच हेतु पत्र भी लिखा। यह आग अब भागलपुर में भी सुलगने लगी है। आज यानी 8 जुलाई को ईआरएमयू भागलपुर शाखा भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर इसका शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना था यह काफी निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान दर्जनों भागलपुर शाखा के कर्मी मौजूद थे। प्रधानमंत्री की भूमिहीन को अभियान बसेरा योजना के अंतर्गत भागलपुर में जिलाधिकारी द्वारा 93 भूमिहीनों को बसाने का दिया गया आदेश। आज भाजपा झुग्गी झोपड़ी मंच के जिलाध्यक्ष शंकर प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व में बैठक हुई। शंकर प्रसाद गुप्ता के द्वारा बताया गया कि जिलाधिकारी के द्वारा 1 नवंबर 2021 को भूमिहीनों को बसाने के आदेश जगदीशपुर अंचलाधिकारी को दिया गया था, परंतु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। शंकर प्रसाद गुप्ता ने बताया कि भूमिहीनों की मदद में भागलपुर सिविल कोर्ट के कुछ अधिवक्ताओं के द्वारा निःशुल्क मदद की जाती है। अधिवक्ता नितेश निखिल और सौम्य आदर्श ने बताया कि जहां तक उनसे हो पाता है वो गरीबों की हमेशा निःशुल्क मदद करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। और अधिवक्ता नितेश निखिल ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 1665 भूमिहीनों को अभियान बसेरा के अंतर्गत बसाए जाने का आदेश दिया गया है, जिसमें से भागलपुर जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा वर्तमान में 92 भूमिहीनों को बसाने का आदेश दे दिया गया। नसरत खानी के नरसिंह भगवान मंदिर प्रांगण में निरंकारी संत समागम का हुआ भव्य आयोजन। कार्यक्रम के दौरान सद्भाव, आपसी भाईचारा व प्रेम का दिया गया संदेश। ललमटिया चौक नसरत खानी के नरसिंह भगवान मंदिर प्रांगण में निरंकारी संत समागम का भव्य आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सह प्रवचनकर्ता केंद्रीय प्रचारक पंडित अब्दुल गफ्फार जो दिल्ली से आए थे के द्वारा की गई। इसमें परमात्मा से साक्षात्कार कराया जाता है जो सर्वव्यापी सर्वमान्य कण कण में व्याप्त और निराकार है, जिसे ब्रह्म ज्ञानी द्वारा जाना जाता है और जानने का मार्ग बताया जाता है। इसमें न कोई हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, सभी एक परमात्मा की संतान है। नरसेवा नारायण सेवा है। इसमें आध्यात्मिक ज्ञान दिया गया और एकांकी भजन और प्रवचन द्वारा उदाहरण देकर सद्भाव, आपस में प्रेम, भाईचारा स्थापित करने का संदेश दिया गया, जिसमें जिला संयोजक दिनेश मंडल, छाया बहन, शिव कुमार मालाकार सहित सैकड़ों की संख्या में निरंकारी संतों ने हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम पूर्व पार्षद अमरकांत मंडल की देखरेख में संपन्न हुआ। राजद कार्यकर्ताओं ने एक तरफ दरगाह पर चढ़ाई चादर तो दूसरी तरफ मंदिरों में की हवन व पूजा अर्चना। लालू प्रसाद की सलामती के लिए सबों ने मांगी दुआ। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की सेहत में सुधार के लिए भागलपुर में युवा राजद कार्यकर्ताओं ने घूरन शाह पीर बाबा दरगाह में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने चादर चढ़ाई और उनके सलामती के लिए दुआ मांगी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बीमार होने की खबर मिलते ही पूरे राजद परिवार में सन्नाटा पसर गया। लालू प्रसाद के स्वस्थ होने की कामना को लेकर सभी अपने अपने स्तर से दुआएं मांग रहे हैं। वहीं युवा राष्ट्रीय जनता दल भागलपुर के जिलाध्यक्ष मोहम्मद वसार उल हक ने बताया कि राजद सुप्रीमो लालू यादव हमारे अभिभावक हैं। जब तक वो ठीक नहीं होंगे तब तक हम लोग दुआएं मांगते रहेंगे और उम्मीद है कि वो जल्द ही स्वस्थ होकर घर लौटेंगे। इसको लेकर आज हम लोगों ने घूरन शाह पीर बाबा दरगाह में चादर चढ़ाई और उनकी सलामती के लिए दुआ मांगी। वहीं दूसरी ओर राजद के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने बुढ़ानाथ मंदिर में राजद सुप्रीमो लालू यादव के स्वस्थ होने को लेकर हवन का कार्यक्रम किया। भागलपुर के राजद जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव ने कहा कि लालू यादव के स्वस्थ होने को लेकर हम लोग मंदिरों में विशेष आरती और हवन का कार्यक्रम किया है। हम लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही लालू जी ठीक होकर अपने घर को लौट आएंगे। हमारे संवाददाता निभाष मोदी ने जायजा लिया। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा नगर वन योजना के तहत मनाया गया 73वां वन महोत्सव। वन जीवन है। इंसान को यदि इस धरती पर जीवित रहना है तो उसे सांस लेने की जरूरत है। यदि सांस लेने में ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम जीवित नहीं रहेंगे। जिस तरह से रहना, खाना, पीना, सोना जरूरी है, वैसे ही सांस लेना भी अति आवश्यक है। सांस लेने का एकमात्र जरिया है वह है वृक्ष।
यदि वृक्ष नहीं होंगे तो हम ताजा सांस नहीं ले सकते। इसी बाबत पूरे भारतवर्ष में 1 जुलाई को लोगों को पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए पेड़ लगाने के लिए जागरूक करने को लेकर वन दिवस मनाया जाता है। बिहार सरकार द्वारा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा आजादी का 75वां अमृत महोत्सव के अवसर पर 73वां वन महोत्सव 2022 का आयोजन भागलपुर के जयप्रकाश उद्यान में किया गया। यह कार्यक्रम नगर वन योजना के तहत भागलपुर DIG विवेकानंद के द्वारा औपचारिक वृक्षारोपण कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान भागलपुर के जयप्रकाश उद्यान में कई तरह के घने व फलदार वृक्ष लगाए गए। नगर वन योजना के तहत चल रहे इस कार्यक्रम में आरोग्य वाटिका, नमामि गंगे जलज, वर्ड नेस्ट स्टॉल भी लगाया गया। कार्यक्रम के दौरान लोगों को जागरूक करते हुए वृक्ष लगाने एवं पक्षियों को पानी पिलाने की व्यवस्था सभी लोगों से करने की बात कही गई। झुनझुनवाला आदर्श बालिका विद्यालय के अलावे कई स्कूली बच्चे द्वारा पर्यावरण जागरूकता को लेकर शहर में झांकी का भ्रमण कर कार्यक्रम स्थल तक लाया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को स्वच्छ और संरक्षित रखना था। कार्यक्रम में DIG विवेकानंद के अलावे वन संरक्षक पूर्णिया के सरस्वामी, जिला वन संरक्षण भरत चिंतापल्ली रेंज ऑफिस भागलपुर ब्रज किशोर, नौगछिया फॉरेस्ट ऑफिस PN सिंह के अलावे दर्जनों अधिकारी, समाज सेवी, शिक्षाविद एवं सैकड़ों शहर के गणमान्य लोग मौजूद। गोसाई गांव के लिए आनंद का क्षण है, यूं ये भारत के गौरव का भी क्षण है। सूचना क्रांति के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी नियामक और निर्धारक संस्था IEEE यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स ने भारतीय शोध के आधार पर किसी भारतीय स्टैंडर्ड यानी मापदंड को वैश्विक तौर पर स्वीकार किया है। गोसाई गांव के श्री प्रणव झा हैं, जो IIT बॉम्बे में PhD रिसर्च प्रोग्राम के प्रमुख हैं। वो IEEE की वैश्विक अध्यक्षता भी करते हैं। धातव्य है कि इससे पूर्व सभी स्टैंडर्ड्स यूरोप और अमेरिका की लैब में ही बनते रहे, जिन्हें वैश्विक तौर पर लागू किया गया। ये पहला मौका है कि जब किसी भारतीय शोध पत्र के आधार पर नए स्टैंडर्ड को IEEE ने ग्लोबली स्वीकार किया है। IIT कानपुर के वर्तमान निदेशक श्री अभय करंदीकर ने IIT बॉम्बे में रहते हुए इस प्रोग्राम को शुरू किया था। 4 वर्ष पूर्व जब वो निदेशक बनकर कानपुर गए तो उन्होंने इसको प्रोग्राम का हेड बनाया। महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने जीवन की चुनी हुई बाधाओं के कारण वे आज प्रोफेसर नहीं, लेकिन 5G वायरलेस कम्युनिकेशन और SDN के वैश्विक धुरंधर हैं। श्री झा IT इंडस्ट्रीज में लगभग 22 वर्षों तक रहे। डायरेक्टर टेक्नोलॉजी का पद छोड़कर अभय करंदीकर जी के व्यक्तिगत आग्रह पर इस कार्यक्रम से जुड़े। श्री झा हमेशा शोध और पठन पाठन करना चाहते थे, नियति उन्हें इंडस्ट्री में ले गई, लेकिन अपनी बौद्धिक क्षमता और प्रज्ञा से उन्होंने एकेडमिक्स में अपना लोहा मनवाया। आप इस सत्य को जानकर चकित रह जाएंगे कि इंडस्ट्री में रहते हुए भी उन्हें IIT दिल्ली अपने PhD शोधार्थियों की थीसिस के अवलोकन के लिए आमंत्रित करती थी, जबकि वे PhD नहीं कर सके। ऑनर्स के बाद श्री झा ने मास्टर्स के लिए प्रवेश परीक्षाओं में बैठना प्रारंभ किया। 2 विश्वविद्यालयों में वो टॉपर रहे। उन्होंने अंततः जनेवी से कंप्यूटर साइंस का अध्ययन किया, इंडस्ट्री में काम करने लगे। प्रारंभिक वर्ष की विदेश यात्रा की बाध्यताओं के बाद पिता की बीमारी के कारण उन्होंने अपने करियर को ताक पर रख दिया, विदेश यात्राएं बंद कर दी। घर परिवार की जिम्मेदारियों के कारण नौकरी छोड़कर PhD नहीं कर सके। भीतर भीतर घुलते रहे, किंतु उनकी मेधा को कौन बांध सकता था। नियति उन्हें IIT बॉम्बे ले गई। हमें गर्व है कि उन्होंने गोसाई गांव को भारतीय इतिहास में अमिट कर दिया है।